मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए अध्याय के साथ आप लोगों के पास आ रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 9, बीज व्यंजकों पर संक्रियाएं। मतलब बीज व्यंजकों पर संक्रियाएं कैसे होती है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्नावली 9.1। तो देखिए, आप लोग के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, क्रम से हल करेंगे और हम समझते जाएंगे। तो देखते हैं, चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो हल करने से पहले ज़्यादा एक लाइन खींच दे रहा हूँ, छोटा सा है। हर क्वेश्चन को हल करने के बाद मिटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए नंबर को हल करना है, ध्यान ही देते हैं हल क्रमांक ए। ये हल क्रमांक ए है। तो हम लोग एक बार जो सवाल दिया रहता है उसको लिख देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं कितना दिया हुआ है। 2PQ+ और दिया हुआ है 7PQ, 7PQ। तो यहाँ पे दिया हुआ है योग करना है। तो अगले लाइन में हम लोग क्या करेंगे, इस और की जगह में धन डाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2PQ+7PQ। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे देखिए, ये 2 है और ये 7 है, मतलब ये अचर राशि है। तो ये जिसका मान कभी नहीं बदलता है, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और ये हमारा चरांक है, इस चरांक को हम लोग जोड़ते नहीं है, सेम लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कितना, PQ। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 9PQ। इस PQ का मतलब ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए, एक टोकरी में PQ को हम लोग मान लेते हैं एक बार, PQ हम लोग क्या मान सकते हैं, ये आम है। PQ को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, आम। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक टोकरी में 2 आम है और दूसरे टोकरी में कितने आम है, 7 आम है। PQ में हमको थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, तो समझने के लिए हम लोग इसको ऐसा मान सकते हैं कि PQ बराबर कितना है, आम। तो एक टोकरी में कितना है, 2 आम है और दूसरे टोकरी में कितने आम है, 7 आम है। जब हम लोग ये दोनों टोकरी को आपस में क्या करेंगे, एक टोकरी में मिला कर लिख देंगे, तो 7 आम और 2 आम कितना हो जाएंगे, 9 आम। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 9 आम। तो हमारा उत्तर ए का कंप्लीट हो चुका है। अब उसी प्रकार यहाँ देखते हैं बी नंबर को। तो हम लिखते हैं हल क्रमांक 2। इसमें दिया हुआ है, फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, 2XY-4XY और 8XY। मतलब यहाँ पे देखिए, 2 पद था, यहाँ पे 3 पद दिया हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ और की जगह में धन लिखे थे, उसी प्रकार यहाँ भी और की जगह में क्या लिख देंगे, धन लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2XY, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा, देंगे 4XY और की जगह लिख देंगे धन, तो कितना हो जाएगा, 8XY। अब इसको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इनके जो तीनों चरांक हैं क्या है, एक समान है। जैसे यहाँ पे हम लोग PQ को आम माने थे, तो यहाँ भी हम लोग XY को आम मान सकते हैं, या आम नहीं मानते हैं तो अमरुद ले लेते हैं। यहाँ 2 अमरुद है,
यहाँ चार अमरूद है, यहाँ छह अमरूद है। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि धनात्मक संख्या को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ धन संख्या क्या है, यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, धन है। और आठ के सामने क्या दिया हुआ है, धन दिया हुआ है। मतलब एक बार एक चिन्ह का उपयोग कर लेते हैं, या बोर्ड मास इससे पहले जो पढ़ चुके हैं बोर्ड मास संख्या को भी देख लेते हैं। अगर यहाँ देखिए बोर्ड मास, बोर्ड मास, इसके हिसाब से भी हल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ब्रेकेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, काट दिए, ओ मतलब काय भी नहीं दिया हुआ है, डिवीजन मतलब भाग भी नहीं दिया हुआ है, एम मतलब मल्टीप्लाई भी नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या दी, एडिशन, मतलब एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो हमारे पास इस संख्या का काम को करेंगे जोड़ने वाला, जो हमारे पास जो दिया हुआ है एक से अधिक चिन्ह है, तो हम लोग यहाँ पे बोर्ड मास संख्या का ही उपयोग करते हुए जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो यहाँ धन चिन्ह है और ये धन चिन्ह है, तो दोनों का आपस में जोड़ दीजिए। जैसे दो आम और आठ आम कितना हो जाएगा, दस आम, या दो अमरूद और आठ अमरूद कितना हो जाएंगे, दस अमरूद। अब जोड़ने का काम पूरा हो चुका है, ये दोनों का हम लोग जोड़े हैं। अब उसके बाद जो ऋण चार XY बचा हुआ है, ये समान चरांक वाले हैं, ये बचा हुआ है। अब हमारा जो लास्ट ये काम हमारा हो चुका ये संक्रिया, और लास्ट में दिया हुआ सब्ट्रैक्शन घटाव का, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, दस में चार घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, छः XY। तो इस प्रकार ये दूसरे नंबर का आप लोग के सामने उत्तर बनकर तैयार है। अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा तीसरा सवाल दिया हुआ है, देखिए सी नंबर, 3x, 4y और 7x, 6y। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हल क्रमांक छूट जा रहा था, हल ये सी। अब पिछले सवाल में जो काम किए थे और के जगह में धन डालना है, तो यहाँ पे हम लोग और के जगह में धन ही डाल देते हैं, कुछ नया चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन ये दोनों को हम लोग क्या लिख देंगे, एक साथ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अलग अलग एक कोष्टक बनाकर लिखने का प्रयास करते हैं, या चलिए सामान्य जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3x, 4y, 7x, 6y। देखिए अब हम लोग यहाँ पे चेंजिंग नहीं किए, धन और के जगह में मैं धन लिख दिया हूँ। अब धन लिखने के बाद हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे x को आम मान लिए, y को मान लिए अमरूद, मतलब ये आम है और y क्या है, अमरूद है। तो ये दोनों एक टोकरी में क्या है, रखे हुए हैं, सब इकट्ठा है, तो हमको आम और अमरूद को क्या करना है, अलग करना है, अलग अलग टोकरी में रखना है। मिला हुआ है उसको अलग अलग टोकरी में रखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि ये आम है, तो इस हमको आम को आम की टोकरी में ही लिखना रखना है। तो यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है, 3x, 7x। चिन्ह में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है, पक्षांतर नहीं हो रहा है। बस हम लोग इस लाइन में ये लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि एक चरांक वाले को पद को एक जगह लिख दे रहे हैं। अब यहाँ बचा हुआ कितना है, धन 4y, इसको लिख दिए धन 6y। और दोनों को लिखने के बाद क्या करते हैं, देखिए ये दोनों हैं आम जैसे मान लिए थे, अरे क्या है, अमरूद। ये
इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, सात और तीन दस एक्स धन छः और चार कितना हो गया दस वाई। ये हमारे हमारा आप लोगों के सामने क्या है, सी नंबर का उत्तर है। बहुत ही सरल है, बस हमको इन सवालों में एक चीज को ध्यान देना है, समान चरांक का को समान चरांक के साथ ही जोड़ना या घटाना है। यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोग के सामने लाता रहता हूं। अब अगला सवाल है डी नंबर को देखिए। अब डी नंबर लिखते हैं, हल क्रमांक डी। सवाल भी लिखते हैं कितना है, देखिए सात वाई धन तीन जेड और तीन एक्स धन चार वाई। अब लिखने के बाद क्या करते हैं, देखिए लिख तो दिए हैं और जो हमने एक नंबर ए बी सी में किया सेम वही काम कर देंगे यहाँ पे, इस और की जगह में क्या लिख देंगे धन, चाहे कितना हो जाएगा सात वाई धन तीन जेड धन तीन एक्स धन चार वाई। अब यहाँ पे देखिए तीन चारांक उपयोग हुआ है, हुए हैं, एक्स है वाई है और जेड है, मतलब हम लोग ऐसा भी मान सकते हैं ये आम है ये अमरूद है तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, ये अनार है। तो तीनों का हमको एक टोकरी में है, तीनको हमको क्या करना है अलग अलग टोकरी में डिवाइड कर देना है। तो हम लोग पहले जैसे या ऐसा जो हमारे पास जब संख्या जाता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, चरांक के बढ़ते क्रम में ही लिखने का प्रयास करते हैं, मतलब जोड़ना है घटाना है जैसा भी है तो हम लोग चरांक के हिसाब से करते हैं। जैसे कि हम लोग आप जानते हैं कि सबसे पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, सी आता है, तो वैसे आगे बढ़ जाएंगे तो देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा, एक्स आएगा, उसके बाद वाई आएगा, उसके बाद जेड आएगा। तो हम ले एक्स चरांक वाले, मतलब एक सबसे बड़ा हो जाएगा, हम लोग एक चरांक वाले को पहले लिखेंगे। तो यहाँ देखिए एक चरांक का पद मात्र यहाँ सिर्फ है, इसलिए यहाँ पे तीन एक्स लिख दिया। अब अगला देखिए एक्स के बाद क्या आता है, एक्स के आगे जो भी आता है उसको लिखना है, एक्स के आगे कितना आता है वाई आता है, तो वाई यहाँ पे देख लीजिए कितना दिया हुआ है सात वाई धन चार वाई। मैं एक सजाती को मतलब एक चरांक वाली को या सजाती चरांक को एक जगह भी लिख दे रहा हूँ और धन, तो वाई के बाद कितना आता है तीन जेड। ऐसा करने के बाद इसको भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कितने पद दिए हुए हैं, एक पद दो पद तीन पद चार पद, यहाँ भी गिन लेना है एक पद दो पद तीन पद चार पद। कभी कभी होता क्या है कि लिखते लिखते छूट जाता है, तो ये छूटना भी नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ लिख देते हैं एक सजाति का मात्र, एक सजाति के तीन एक्स है और एक्स वाई के यहाँ तक हैं, तो इसमें जोड़ देंगे साथ में चार, तो कितना हो जाएगा ग्यारह वाई धन कितना हो जाएगा तीन जेड। तो ये हमारा सवाल नंबर डी का उत्तर आप लोग के सामने बनकर तैयार है और अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला सवाल है ई नंबर, तो ई नंबर को हल करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग हल क्रमांक ई। तो उससे पहले लिख लिए, अब सवाल को लिख देते हैं एक्स धन वाई री जेड, एक्स री वाई री
जेड और वाई धन जेड री एक्स। यहाँ भी हम लोग को किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, जैसे हमने पहले सवाल किए थे सेम कर देंगे। और यहाँ पे अलग अलग तीन पद दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे तीन दिए हुए हैं, एक है दो है और ये तीन, तो यहाँ पे मात्र इस कोमा के बीच में भी धन आ जाएगा और इस और की जगह भी तीन आ जाएगा। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे तो देखिए यहाँ पे कितना था, दो ही पद के दिए हुए थे और यहाँ पे तीन दिए हुए हैं, इसका हम लोग लिख देंगे एक्स धन वाई री जेड, यहाँ भी धन आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे धन एक्स री वाई री जेड, यहाँ भी धन हो जाएगा तो वाई धन जेड री एक्स। यदि यहीं पे अगर हमको घटाना होता तो ऐसा नहीं लिखा जाता, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग हो जाता, लेकिन ये जोड़ना है इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको सेम उतार दिए हैं। और एक बार एक सजाती को एक जगह लिख देते हैं, यहाँ कितना दिया देखिए एक्स एक्स और ये एक्स है, यहाँ कितना है एक्स धन एक्स ऋण एक्स, क्योंकि हमको एक्स को ही लिखना है पहले, क्योंकि एक्स पहले आता है, एक्स के बाद क्या आता है वाई, और वाई वाले को लिखते हैं तो देखिए यहाँ धन वाई है, चिन्ह को हम लोग किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं करेंगे, ये ऋण वाई है, उसके बाद यहाँ पे कितना दिया हुआ है धन वाई। अब अगला आते हैं जेड में, तो यहाँ दिया है देखिए ऋण जेड, यहाँ लिख देते हैं ऋण जेड, उसके बाद देखिए यहाँ भी ऋण जेड है, उसके बाद कितना दिया हुआ है धन जेड। अब यहाँ पे करना क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक है और यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे एक में एक को घटाएंगे, मतलब एक काम में एक काम को खा दिए तो कितना बच गया एक काम, मतलब आपस में कट जाएंगे ये, तो यहाँ मात्र कितना बचेगा एक, उसी प्रकार इस वाई के साथ इस वाई को काट सकते हैं, इस जेड के साथ इस जेड को, मतलब एक धन और एक ऋण आपस में घट गए। अब बचे हुए हम लिख देते हैं एक्स धन वाई ऋण जेड, तो देखिए ये आप लोग का हल करमा सवाल क्रमांक एक का उत्तर है। अब एफ नंबर की ओर चलते हैं, हल क्रमांक एफ देखिए आप लिखा हुआ है पाँच एक्स धन चार वाई ऋण बारह, ये भी सेम है इस की तरह सिक्स, बाकी यहाँ पे संख्या का उपयोग हुआ है सिक्स एक्स प्लस फाइव वाई प्लस और यहाँ है तो और लिख देते हैं बारह जेड ऋण सात एक्स धन नौ वाई। तो यहाँ भी हम लोग कुछ नहीं चेंजिंग करना है, पिछले सवाल की तरह इस लाइन में कर देते हैं पाँच एक्स धन चार वाई ऋण बारह। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा जेड और दो में थोड़ा सा अंतर करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो इसमें भी हम लोग धोखा खा सकते हैं। धन छः एक्स धन पाँच वाई धन बारह जेड, देखिए दो को मैं ऐसे बना दिया हूँ जेड को, ऐसा कभी कभी लिखते लिखते क्या होता है जेड और एक्स में अंतर नहीं हो पाता है, तो इसको अंतर लाने का प्रयास आप लोग भी कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सजाती चारांग को एक जगह लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे पाँच एक्स है, उसके बाद धन छः एक्स, उसके बाद ऋण सात एक्स,
उसके बाद वाई में आ जाएंगे, धन फोर वाई, धन पाँच वाई, धन नौ वाई। अब जेड वाले को देख लेते हैं, जेड कहीं पे अगर दिया हुआ है तो धन बारह जेड है और पूर्णांक मात्र दिया हुआ है ऋण बारह, यहाँ पे लिख देंगे ऋण बारह। इससे पहले के सवाल में ऐसा नहीं था, पूर्णांक सब नहीं दिए हुए थे। यहाँ पे देखिए एक्स वाई बारह है, एक्स वाई है, जेड एक्स वाई, मतलब पूर्णांक एक ही जगह दिया हुआ है उस लोग, इसलिए उसको एक बार लिख देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ देते हैं। तो पाँच और छः कितना हो जाएगा, ग्यारह एक्स ऋण सात एक्स। चाहते थे हम लोग इसको एक बार में भी लिख देते तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ। धन पाँच चार नौ वाई, इसमें बोर्ड मार्क्स का नियम भी प्रयोग हो जा रहा है। धन ये पूरे धन धन में है, इसे पूरे को जो होते हैं नौ नौ अट्ठारह, तो यहाँ कितना हो जाएगा अट्ठारह वाई। और जेड में दिया हुआ है धन बारह जेड ऋण बारह, तो यहाँ भी हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे नहीं। ग्यारह में सात घटाएँ कितना हो जाएगा चार एक्स, धन अठारह वाई, धन बारह जेड ऋण बारह। इस प्रकार ये आप लोग के सामने क्या है, उत्तर है एफ नंबर का। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, कठिन तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है। आप लोग अभ्यास कीजिए और बड़े मज़े से सवाल का आनंद लीजिए। सवाल नंबर जी की ओर चलते हैं, चलिए देते हैं हल क्रमांक जी। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार सवाल लिख देता हूँ आप लोग के सामने, तीन एक्स। आप लोग भी कभी भी हल करें तो पेपर के साथ उत्तर पुस्तिका में भी एक बार सवाल को जरूर लिख दें, छः एक्स वाई ऋण चार वाई और एक्स धन ये दो है। तो यहाँ भी हम लोग पिछले सवाल की तरह ही कर देंगे, एक्स ऋण सात एक्स वाई धन छः एक्स वाई ऋण चार वाई धन एक्स धन दो। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक सजाती को एक जगह फिर से लिखने का प्रयास करते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे तीन एक्स धन एक्स। अब उसके बाद देखिए एक्स के बाद क्या है, एक्स वाई वाला है, तो एक्स वाई वाला भी क्या हो जाएगा एक्स के बाद आ जाएगा, क्योंकि एक्स के बाद वाई आता है। तो एक सजाती को एक जगह लिख देंगे, तो ऋण सात एक्स वाई धन छः एक्स वाई। अब उसके बाद ये एक्स के सजाती हैं, ये एक्स वाई के सजाती हैं, और हम लोग इसी में खोजते हैं वाई के सजाती, तो ऋण कितना हो जाएगा चार वाई धन दो। तीन और एक कितना हो जाएंगे चार एक्स। अब यहाँ देखिए सात में यहाँ ऋण है यहाँ धन है, और सात में छः घटाएंगे तो कितना बचेगा एक्स वाई, मतलब यहाँ बड़ी संख्या ऋण है तो एक तो ऋण रहता है एक तो धन रहता है, तो घटाने पर क्या होता है जुड़ता नहीं है वो घटता है, इसलिए घटा दिए और बड़ी संख्या में जो ऋण रहता है उसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे दो अलग अलग सजाती हैं तो कुछ नहीं करना है, सेम उतार देना है, और ये हमारे पास क्या हो गया उत्तर आ गया है किसका, आप लोग के सवाल नंबर जी का। अब अंतिम सवाल है हमारा हल क्रमांक
एच। यहाँ भी देखते हैं एक्स वाई का घात, एक्स का घात दो, वाई का घात दो धन तीन एक्स वाई का घात दो ऋण सात ऋण पाँच एक्स का घात दो वाई का घात दो ऋण पाँच एक्स धन सात। तो यहाँ पर देख लीजिए ये और का प्रयोग नहीं किया हुआ है, छोड़ दिया है, तो हम लोग को यहीं पे क्या करना है और का प्रयोग करना है और हल करना है। तो चलिए यहाँ पे ऋण चिन्ह है तो कुछ नहीं होगा, इसके सामने ऋण है तो धन लगाएंगे तो कैसे लगाते हैं देखिए। यहाँ पे धन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्योंकि धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे कितना एक्स वाई का घात दो वाई का घात दो धन तीन एक्स का घात दो ऋण सात। यहाँ पे अब लिखना है क्या, धन नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर धन लिखते हैं लिख देते हैं वह, यहाँ अगर धन लिखते हैं यहाँ ऋण है तो यहाँ पर कोष्ठक में लिखना पड़ेगा सभी को पाँच एक्स का घात वाई वाई का घात दो ऋण पाँच एक्स धन सात। अब इसके बाद यहाँ ऋण चिन्ह पे ऋण रहेगा और अब क्या करेंगे इस धन के साथ सभी को गुणा कर देंगे तो एक्स का घात दो वाई का घात दो धन तीन एक्स का घात दो ऋण सात। धन ऋण क्या हो जाएगा ऋण पाँच एक्स का घात दो वाई का घात दो, धन ऋण फिर से ऋण हो जाएगा पाँच एक्स धन धन क्या हो जाएगा धन सात। देखिए इस प्रकार हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे सजाती को ढूंढते हैं तो इसमें देखिए यहाँ एक्स का घात का सजाती है और यहाँ एक्स का, तो ये पहले बड़ा हो जाएगा ये वाला क्योंकि एक्स का घात दो है, उसके बाद आ जाएगा ए वाला, मैं उससे पहले भी आ जाएंगे। हम लोग सबसे पहले इसी को लिख देते हैं तीन एक्स का घात दो, एक ही जगह दिया हुआ है और एक्स वाई यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पाँच में यहाँ ऋण चिन्ह है यहाँ धन है तो एक धन रहता है एक ऋण रहता है, तो क्या करते हैं घटा देते हैं तो पाँच में एक घटाएंगे तो कितना बचेगा चार, बड़ी अंक के सामने ऋण चिन्ह के लिए कितना हो जाएगा चार एक्स का घात दो वाई का घात दो, एक का घात वाला हो गया एक्स वाई, अब बचा कितना ऋण पाँच एक्स। इसके कोई भी और सजाती नहीं है तो इसलिए मात्र इसी को लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे ऋण सात है यहाँ धन सात है तो आपस में कट गया, तो आप लोग के सामने सवाल नंबर एच का उत्तर है। चाहे तो यहाँ पे वह लिख सकते हैं शून्य और सेम उतार देंगे तीन एक्स का घात दो ऋण चार एक्स का घात दो वाई का घात दो ऋण पाँच एक्स। ये सवाल आप लोग के सामने बनकर तैयार है और प्रश्न नंबर एक के लगभग सभी सवाल हो चुके हैं। सवाल नंबर दो है, निम्नलिखित में प्रथम व्यंजक में से द्वितीय व्यंजक को घटाइए। तो आप लोग के सामने देखिए सवाल लिखा हुआ है एक से ले ए से लेकर जी तक, तो इसका हम लोग क्या करेंगे हल करते हैं, मतलब द्वितीय व्यंजक को कैसे घटाते हैं तो उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बीज व्यंजक को घटाते हैं। तो सवाल नंबर एक है तो यहाँ लिख लेते हैं हल क्रमांक एक। सवाल दिया हुआ है आठ एक्स में से तीन एक्स को, यहाँ पर दिया हुआ क्या करना है घटाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे जैसे मेसे दिया हुआ है इस मेसे की जगह में लिख देंगे ऋण का चिन्ह,
तो क्या हो जाएगा हमारा अगला वो 8x - 3x, सीधा सा हो गया 8x - 3x। अब यहाँ पे यहाँ धन है और ये ऋण चिन्ह है, जब एक धन रहता है और एक ऋण रहता है तो उसको घटाते हैं, घट जाता है, जुड़ता नहीं है। तो 8 में 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आ गया, 5x। तो यहाँ पे घटता है तो मात्र अंकों को घटाते हैं, चर राशि को नहीं घटाते हैं। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या है, 5x। अब बी नंबर को देखते हैं, फल क्रमांक बी 12 एक्स में से ऋण 4 को। तो ये थोड़ा सा इस सवाल से चेंज हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ में से की जगह ऋण डालेंगे तो इससे पहले जो भी उसको सेम उतार देते हैं। और ये ऋण ये मेष के जगह ये ऋण डाला हुआ है, ये 4x ये अलग ऋण है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऋण 4x को कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक सेम चिन्ह को एक स्थान पे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऋण को लिख दिए कोष्टक में। अगला में क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा, ये ऋण का गुणा करेंगे ऋण से। तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं ऋण का गुणा ऋण से करते हैं तो क्या होता है, धन, यहाँ पर क्या लिख दिए, 4x, धन 4x। तो अब यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है घटाइए, लेकिन हमारे पास से सवाल घट नहीं रहा है, जुड़ेगा ही। तो सब सवाल घटाने से नहीं घटेगा, चिन्ह को हम लोग एक बार लगाएंगे घटाने का, बाकी कुछ सवाल जुड़ेंगे कुछ सवाल घटेंगे। तो हम 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16x। अब उसी प्रकार देखते हैं सी नंबर को, हल क्रमांक सी, सी में देखते हैं, देखिए ऋण 9x में से x को, बहुत ही आसान है, दो दो लाइन में आ जाएगा। फिर यहाँ से लिख देंगे मेष की जगह में ऋण 9x ऋण x। अब यहाँ देखिए, इसमें हमारे पास धन था, यहाँ ऋण है, यहाँ धन था, यहाँ धन है, तो जोड़ दिए। तो यहाँ धन धन था तो जोड़ तो दिए, लेकिन यहाँ पे धन चिन्ह को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो धन का चिन्ह है छुपा हुआ रहता है, आवश्यकता पड़ने पर हम उसको लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों ऋण ऋण आ गए, यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है, दोनों जब ऋण ऋण है, जैसे यहाँ पे धन धन था, यहाँ ऋण ऋण है, तो क्या करेंगे, ये धन धन जुड़ा तो 16 आया। ये ऋण ऋण को भी क्या करते हैं, जब समान चिन्ह रहते हैं तो उसको भी जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह को नहीं बदलते हैं। जैसे धन था तो यहाँ धन छुपा हुआ है, और यहाँ 9 में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसमें 9 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10x। लेकिन हम लोग मात्र 10 नहीं लिखेंगे, जोड़े हैं तो इसके सामने ऋण चिन्ह है, तो इस ऋण चिन्ह को लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऋण 10x। हमारा अगला सवाल है डी नंबर, तो यहाँ पे लिखते हैं हल क्रमांक डी, यहाँ हो जाएगा कितना, ऋण 5x में से ऋण 8x। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, देखिए पिछले सवाल की तरह है, जैसे यहाँ पे हम लोग ऋण लिखे थे, ऋण चिन्ह था, तो हम लोग उससे पहले कोष्टक डाले थे, तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी अपनाएंगे, यहाँ भी ऋण 8 के बाद से पहले क्या डालेंगे, इसको कोष्टक में लिख देंगे और इस मेष की जगह में ऋण चिन्ह लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 5x ऋण 8x, ये ऋण ऋण क्या हो जाएगा, तीनों का गुणा करते हैं तो ऋण ऋण क्या हो जाता है, धन, यहाँ पे हो जाएगा धन ऋण 5x धन 8x। अब यहाँ देखिए एक ऋण चिन्ह है, दूसरा धन चिन्ह है,
जब एक धन रहता है एक ऋण रहता है तो क्या करते हैं आपस में घटा देते हैं, तो आठ में पाँच घटाएंगे तो कितना बचेगा तीन। और यहाँ पे बड़ा अंक के सामने धन चिन्ह है इसलिए हमारा उत्तर धन में होगा, इसको धन को नहीं लिखेंगे, ये स्वयं अपने आप में छुपा हुआ रहता है। अब ई नंबर को देखिए, ई नंबर में आ जाते हैं, हल कर्मांक ई, क्वेश्चन है हमारा एक्स का घात दो ऋण तीन एक्स धन सात में से ऋण तीन एक्स का घात दो ऋण चार एक्स ऋण दो को। अब यहाँ पे हम लोग हल करते हैं तो देखिए यहाँ जो है एक पदी व्यंजक था, यहाँ भी एक पदी था, इससे पहले जितने भी हल की वो क्या थे एक पदी व्यंजक थे, लेकिन अभी जो हम लोग हल करने जा रहे हैं वो बहुपदी व्यंजक मतलब एक से अधिक हैं दोनों साइड में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कोष्टक में लिख देंगे एक्स का घात दो ऋण तीन एक्स धन सात, इसको हम लोग कोष्टक में नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन मे से के बाद ऋण तीन जो लगता है इससे पहले की संख्या वो क्या कर देंगे कोष्टक में लिख देंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे मे से ऋण लिखे और इधर पूरे को कोष्टक में लिखेंगे ऋण तीन एक्स का घात दो ऋण चार एक्स ऋण दो, कोष्टक बंद हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक सेम लिख देंगे एक्स का घात दो ऋण तीन एक्स धन सात। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे इस चिन्ह का हम लोग गुणा करेंगे या यहाँ पे जो भी चिन्ह दिया हुआ उसका उल्टा लिखेंगे, जैसे गुणा करते हैं ऋण और ऋण तो क्या हो जाएगा धन, यहाँ लिख देंगे धन तीन एक्स का घात दो ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन चार एक्स, ऋण का गुणा करेंगे ऋण से क्या हो जाएगा धन दो। तो अब अगला हमारे पास क्या हो जाएगा सजाती पद को पहचानेंगे, देखिए सजाती पद मतलब ये एक्स का घात दो है ये एक्स का घात दो है तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे, अगर ये घटेगा तो घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे धन है यहाँ भी धन है कुछ नहीं मतलब यहाँ छिपा हुआ धन चिन्ह इसलिए इसको क्या करेंगे धन ही लिखेंगे, तो तीन में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा चार एक्स का घात दो। अब एक्स से सजाती को देखते हैं यहाँ ऋण है यहाँ धन है तो एक धन और एक ऋण है तो क्या करते हैं घटाते हैं, तो चार में तीन को घटा देंगे कितना बचेगा एक, यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या के सामने चिन्ह धन चिन्ह है तो धन चिन्ह डाल देंगे एक्स और यहाँ धन है ये धन तो सात में दो को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा नौ। इस प्रकार आप लोग का उत्तर क्या हो जाएगा एक्स का घात दो धन एक्स धन नौ। इसको हम लोग दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, एक द्वितीय विधि है इस दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, देखिए वो क्या है सेम लिख देते हैं उसको एक्स का घात दो ऋण तीन एक्स धन सात, इसमें से आप लोग को जो भी उचित लगेगा उसी का उपयोग कीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे ऋण तीन एक्स का घात दो ऋण चार एक्स ऋण दो, सवाल में जो दिया हुआ है उसी को लिखते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे घटा रहे हैं तो ये नीचे का चिन्ह को बदल देते हैं, ये ऋण था तो क्या हो जाएगा यहाँ धन, ये ऋण है तो यहाँ क्या हो जाएगा धन, ये भी ऋण है तो क्या हो जाएगा धन। अब यहाँ पे सजाती सजाती जोड़ देते हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है तीन और एक कितना हो जाएगा चार एक्स का घात दो, ये ऋण है और ये धन है तो एक धन रहता है एक ऋण रहता है तो क्या करते हैं घटाते हैं, तो चार में तीन को घटाएंगे तो कितना बचेगा एक बचेगा, और इस चिन्ह को छोड़ दिए हम लोग इस चिन्ह को ध्यान देंगे तो चार के सामने क्या है धन, क्या लिखेंगे धन एक्स। अब यहाँ पे ऋण को छोड़ दिए हैं हमारा नया चिन्ह आया है धन तो सात में दो को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से नौ। तो देखिए आप लोग का ये दूसरे विधि से भी उत्तर आ चुका है, आप लोग को जो भी पसंद हो उसमें बना सकते हैं, देखिए दोनों का उत्तर सेम है।
हमारा अगला सवाल है एफ, यानी कि हल क्रमांक है एफ में कितना दिया हुआ है, एक्स डी तीन वाई में से कितना लिखना है, पाँच वाई ऋण एक्स ऋण 32 जेठ साल देख लेता हूँ सवाल में। ये 32 नहीं है, जेड है, सात आठ आठ है, दो और जेड में अंतर नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे लिखते हैं में से जगह में पिछले सवाल की तरह ही करेंगे, एक्स ऋण तीन वाई ऋण पूरे को कोष्टक में पाँच वाई ऋण एक्स, या हम लोग इसको दूसरे विधि से बना देते हैं जल्दी बन जाएगा, दोनों ही सरल है, एक्स ऋण तीन वाई। अब इसको बनाएंगे तब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे विधि बनाने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमको एक्स को एक्स के नीचे लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऋण एक्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऋण एक्स, वाई की जगह कितना दिया हुआ है धन तली में धन पाँच वाई, जेड की जगह लिखेंगे ऋण तीन जेड, इस प्रकार। अब यहाँ घटा देंगे तो यहाँ पे चिन्ह को बदल देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा धन, यहाँ कितना हो जाएगा ऋण, ये क्या हो जाएगा धन, जोड़ देंगे तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा दो एक्स, ऋण ऋण कितना हो जाएगा ऋण आठ वाई धन दो तीन जेड, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब सेम उतार देंगे तो कितना हो जाएगा तीन जेड, फिर हमारा क्या हो जाएगा उत्तर है। अब इसको पहले विधि से बनाते हैं तो देख लीजिए, पहला विधि भी देख लेते हैं, एक्स ऋण तीन वाई ऋण पाँच वाई एक्स तीन जेड। अब यहाँ तीन में गुणा कर देंगे ऋण का तो कितना हो जाएगा एक्स ऋण तीन वाई, ये है धन, ऋण कितना हो जाएगा ऋण पाँच वाई, उसके बाद ये हो जाएगा धन एक्स, ये ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन तीन जेड। अब देखते हैं एक्स कैसे जाती, देखते हैं यहाँ धन है यहाँ धन है तो एक एक कितना हो जाएगा दो एक्स। अब यहाँ पे देखिए ऋण ऋण है जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएंगे आठ वाई, क्योंकि समान चिन्ह रहते हैं पर रहने पर क्या करते हैं जोड़ते हैं, और बचा हुआ है तीन जेड को लिख देंगे थ्री जेड। तो इस प्रकार देख लीजिए आप लोग के सामने एफ का भी सवाल बनकर आ चुका है। अब इस प्रश्न के अंतिम सवाल की ओर चलते हैं, इसमें हमारा जो है अंतिम सवाल है हल क्रमांक जी, एक्स वाई ऋण पाँच ए ऋण नौ बी में से तीन ए बी धन दो ए ऋण तीन बी। अब देखिए इसको हल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम लिख देंगे में से की जगह ऋण और उसको कोष्टक में एक्स वाई ऋण पाँच ए ऋण नौ बी ऋण ऋण के उधर वाले को कोष्टक में लिखते हैं, इधर वाले में कुछ भी विशेष नहीं करना रहता है सेम उतार देते हैं तीन बी। अब यहाँ पे ऋण का गुणा कर देंगे एक बार, हमको इतना लाइन करना ही पड़ेगा पाँच ए ऋण नौ बी धन ऋण ऋण तीन ए बी धन ऋण ऋण दो ए ऋण ऋण धन तीन बी। अब यहाँ पे देखिए उत्तर लिख रहे हैं तो यहाँ पे सब अलग अलग है, देखिए
एक्स वाई कहीं पे नहीं है, पाँच ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसको बढ़ते क्रम में ही लिखेंगे, इसलिए सबसे पहले हम लोग ये पद वाले को लिखेंगे। तो यहाँ देखिए पाँच और ये ऋण दो आया हुआ है, तो ये दोनों के सामने ऋण चिन्ह है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऋण पाँच और दो सात, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ ए ऋण तीन, बी सिंगल है, उसके बाद बी यहाँ दिया हुआ यहाँ, तो नौ में तीन घटा देंगे तो कितना बचेगा छः बी, और बचा कितना एक्स वाई धन एक्स वाई। ये हमारा अब जो के सामने सवाल नंबर जी का उत्तर है, देख लीजिए। और अब हमारा सवाल है प्रश्न नंबर तीन, सरल कीजिए। तो देखिए इसमें जो हमारा सवाल दिया हुआ है, इससे पहले हमने जितने भी हल किए थे उसमें तीन पदी व्यंजक को जोड़ना घटाना अधिकतम था, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने पद हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब ये छः पदी व्यंजक एक साथ लिखे हुए हैं, तो इनको हमको क्या करना है, सरल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को रिपीट उतार देते हैं। तो पाँच ए का ए बी माइनस सेवन, बी का घात दो, सी माइनस सिक्स ए बी प्लस टू बी सी का घात दो ऋण चार, बी का घात दो सी ऋण तीन, ए तीन बी का घात सी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि मैंने इसे पहले ही बताया है कि यहाँ हम लोग लिखते हैं तो हमको एक क्रम से चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम लोग जिसको चाहे उसको लिख दें, ऐसा नहीं होता है, मतलब हम लोग एक क्रम से चलेंगे और क्रम से लिखेंगे तो हमारा सवाल क्या होगा, सही होगा, उत्तर आ भी जाएगा, तो जगह सही जगह पर नहीं रहता है। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, चक्रीय क्रम में ही लिखा जाता है, या बोल सकते हैं इसको चर संख्याओं का बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए चर संख्या में क्या दिया है, सबसे पहले आता है ए, तो हमको इसमें सबसे पहले जहाँ जहाँ ए है उसको ध्यान देना है। तो देखिए ध्यान देने पर हमें मिलता है दो जगह है, ये है पाँच ए बी और छः ए बी। अब इसको हमको लिखना है, चाहे तो हम लोग एक जगह इसको लिख देते हैं, तो पाँच ए बी माइनस सिक्स ए बी। देखिए मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक समान सजाती को एक जगह लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए बी का सजाती को लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग किसको लिखेंगे, देखिए ए तो यार कहीं पे दिया हुआ नहीं है, अब इसके बाद लिखना हमको बी, तो बी भी देखिए दो जगह आ रहा है, कहाँ कहाँ रहा है, यहाँ देखिए बी का घात दो सी है, यहाँ बी है और सी का घात दो है, यहाँ बी का घात दो, मतलब ये दोनों सेम आ जा रहा है, एक सजाती है। तो इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं, मतलब बी का घात दो सी सजाती को, यहाँ ऋण चिन्ह है तो इसको लिख देते हैं ऋण सात बी का घात दो सी ऋण चार बी का घात दो सी। छः पद थे तो हमने चार पद को लिख दिया हुआ है, अब बचा अपना दो पद है, कौन कौन सा है, बी सी का घात दो बी सी का घात दो, इसको लिख देते हैं धन दो बी सी का घात दो ऋण तीन बी सी का घात दो। तो देखिए हमने एक सजाती को एक जगह लिख दिया है, यहाँ पे तीन सजाती है, यहाँ ए बी का सजाती है, यहाँ बी का घात दो सी का सजाती है, और यहाँ ए बी सी का घात दो का सजाती है। अब ये दोनों को हम लोग हल करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ धन है यहाँ ऋण है, जब धन ऋण रहता है तो क्या करते हैं उसको हम लोग घटा देते हैं, तो हम लोग छः में पाँच घटाएंगे तो कितना बचेगा ए बी, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए बड़ा अंक के सामने ऋण चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर डाल दें हम लोग ऋण चिन्ह को,
अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगला है यहाँ भी ऋण चिन्ह है, यहाँ भी ऋण चिन्ह है, जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तो क्या करते हैं उसको जोड़ देते हैं, इसलिए सात और चार को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ग्यारह, ग्यारह हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऋण ऋण है, इसमें हम ऋण लिख देंगे ऋण ग्यारह बी का घात दो सी। अब अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बी सी का घात दो सजाती को देख रहे हैं, यहाँ पे तीन दो है धनात्मक और तीन दिया हुआ है ऋण में, तो तीन में दो घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा एक मिलेगा बड़े अंक के सामने ऋण चिन्ह, इसलिए हम लोग डाल देंगे ऋण बी सी का घात दो। तो देखिए हमारा जो उत्तर है आप लोगों के सामने आ चुका है, यही हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग के सामने हमारा अगला सवाल है, तो इसमें देखिए इसको भी हल करते हैं, तो हल करने से पहले एक बार सवाल को लिख देता हूँ फिर से, एम का घात दो टू एन का घात दो धन सात एम एन ऋण पाँच एम का घात दो ऋण ग्यारह एम एन ऋण तीन एन का घात दो धन दो एन का घात दो। ये हमारा सवाल आप लोग के सामने है। अब इसको हम लोग किसको सबसे पहले लिखेंगे, तो जैसे देखिएगा आप लोग ए बी सी डी पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है एम आता है, एम का घात दो, इसलिए हम लोग एम के घात दो सजाती को लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, ये आ जाएगा कितना एम का घात दो ऋण पाँच एम का घात दो हो गया। अब एक घात दो वाला था, अब हमको घात एक वाला एम ढूंढना है, तो ये कितना है यहाँ पे देखिए कितना है ये धन सात एम एन ऋण ग्यारह एम एन। अब जो बचे हुए हैं उनको लिख देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात है, तो जो बचे हुए हैं उसको फिर से लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ऋण दो एन का स्क्वायर ऋण तीन एन का स्क्वायर धन दो एन का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए पाँच में एक धन है तो घट जाएगा, धन ऋण घटता है, पाँच में घटा देंगे कितना बचेगा चार एम का घात दो, बड़े एम के सामने ऋण चिन्ह है इसलिए ऋण चिन्ह हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए यहाँ धन है यहाँ ऋण है तो घट जाएगा, एक सजाती है ये और तीनों एक सजाती हैं, तो ग्यारह में सात घटाएंगे कितना बचेगा चार, अब बड़े एम के सामने ऋण चिन्ह इसलिए लिख देंगे ऋण चार एम एन। अब यहाँ देखिए आप देखिए दो एन का घात दो है और धन दो एन का घात दो है, तो इसमें दो में दो को घटा देंगे तो शून्य बचेगा, इसलिए दोनों को हम लोग क्या करते हैं काट दिए। अब यहाँ पर लिख देते हैं जो बचा हुआ है कितना तीन एन का घात दो। तो ये आप लोग के सवाल का उत्तर आप लोग के सामने आ चुका है, ये हमारा क्या है सरल कीजिए प्रश्न क्रमांक तीन का आप लोग के पास उत्तर है। सवाल नंबर चार है देखिए आप लोग के पास, शशांक ने पुस्तक मेले में चार रुपये की दर से एक पुस्तक, तो शशांक मेला गया हुआ है और करता क्या है कि वो मेले में चार रुपये की दर से एक किताब खरीदता है, हम लिख देते हैं यहाँ पे चार रुपये की दर से कितना खरीदता है x पुस्तक, तो कुल कितना पुस्तक खरीदेगा वो चार एक्स। उसी प्रकार पांच रुपए की दर से y पुस्तक और पांच रुपए की
there से वाई पुस्तक बराबर पांच वाई। जैसे कि हम लोग बोलते हैं एक किताब का मूल्य, एक किताब का मूल्य एक किताब का मूल्य कितना है, पाँच रुपया। तो दस किताब का मूल्य कितना हो जाता है, पाँच गुणित दस। हम लोग उसी प्रक्रिया को अपना दिए हैं, चार रुपये की दर से एक्स किताब, मतलब चार को गुणा कर दिए, एक से चार एक्स हो गया, पाँच रुपया की दर से वाई किताब, तो आप पाँच को गुणा कर दिए वाई से। तो पुनः देखें मेला में फिर से वो घूमते घूमते कहीं और चला गया होगा, तो पुनः देखिए फिर किताब खरीदता है, वो गांधी कहते हैं मतलब पुनः दोबारा एक रुपये की दर से सात किताब। कितना खरीदता है वाई रू पाँच रुपये की दर से वाई पुस्तक और पुनः एक्स रुपया की दर से सात किताब। तो लिख सकते हैं एक्स रुपये की दर से सात पुस्तक, तो कितना हो जाएगा वो सात एक्स। उसी प्रकार वाई रुपये की दर से आठ पुस्तक, वाई रुपये की दर से आठ पुस्तक, तो कितना हो जाएगा आठ वाई। अब तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो कुल खर्च रुपए, तो कुल खर्च देख सकते हैं हम लोग, कुल खर्च क्या करने में, किताब करने में क्या कर खरीदता है, चार एक्स धन पाँच वाई धन सात एक्स धन आठ वाई खर्च है। तो टोटल खर्च हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, टोटल खर्च कुल खर्च मतलब चार एक्स धन पाँच वाई धन सात एक्स धन आठ वाई। हम लोग चाहते तो यहीं पे बराबर करके जोड़ के लिख देते कुल खर्च सेम उसी को, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा एक सजाती को जोड़ देते हैं, ये चार और सात एक सजाती है तो आपस में जुड़ जाएंगे, सात चार ग्यारह एक्स धन आठ और पाँच तेरह वाई। तो कुल कितने रुपए खर्च करता है वो, ग्यारह एक्स धन वाई रुपए मेले में खर्च करता है। हमारा सवाल है पाँच नंबर, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है चार एक्स का घात दो ऋण चार ऋण एक, दो एक्स का घात दो ऋण तीन एक्स धन पाँच एवं ऋण एक्स का घात दो धन चार एक्स धन तीन। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, तो हल हम लोग जानते हैं, अब लोग पता होगा पिछले सवालों कक्षा में भी अध्ययन कर चुके हैं त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, दी गई भुजाओं का योग, दी गई भुजाओं का योग। यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप नहीं है, किसी भी आकृति हुआ या चित्र हुआ उसकी भुजाओं का परिमाप ज्ञात करना है, तो सभी भुजाओं को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो यहाँ बोल सकते हैं आकृति का परिमाप बराबर दी गई भुजाओं का योग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग के पास क्या दिया है, देखिए चार एक्स का घात दो ऋण एक्स ऋण एक धन दो एक्स का घात दो ऋण तीन एक्स धन पाँच,
यहाँ पे जोड़ना है इसलिए सेम उतार देते हैं, ऋण एक्स का घात दो धन चार एक्स धन एक। तो यहाँ पे हम लोग एक बार लिख देते हैं एक सजाती को एक जगह लिख देते हैं, चार एक्स का घात दो धन दो एक्स का घात दो ऋण एक्स का घात दो, ये मतलब एक्स के घात के सजाती हैं। अब एक्स का सजाती ऋण एक्स ऋण तीन एक्स धन चार एक्स, यहाँ पे देख लीजिए ऋण एक धन पाँच धन एक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं चार में दो को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा छः, और यहीं पे दिया हुआ है एक घटाना है तो चार में दो जोड़ दिए छः हो गया, छः में एक घटा दिए तो कितना हो गया पाँच। यहाँ पर थोड़ा सा उत्तर हम लोग डायरेक्ट दे देते हैं पाँच एक्स का घात दो। अब लिखते हैं एक्स का सजाती, ये तीनों एक साथ हल हुए हैं, ये तीनों को एक साथ, ये तीनों को एक साथ हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऋण ए ऋण एक और ऋण तीन ये आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा चार, फिर ये ऋण चार है और ये धन चार तो दोनों को आपस में काट देंगे तो ये हो जाएगा शून्य आ गया एक्स का सजाती में। अब यहाँ भी देखिए ये ऋण एक और धन एक कट जाएगा तो बचेगा कितना धन पाँच। तो हम लोग का यहाँ पे भुजाओं का परिमाप में आ जाएगा एक्स का घात दो धन पाँच। ये हम लोग का क्या है सवाल नंबर पाँच का उत्तर है, आप लोग भी देख लीजिए और अच्छे से समझने का समझकर बनाने का प्रयास करें।